हरे कृष्णा, मेरा नाम ज्योतिरमन दास है। पिछले 11 सालों से मैं इस्कॉन हरे कृष्ण मंदिर जुहू में प्रचार के रूप में कार्यरत हूँ। मैं पिछले 10 सालों से भक्ति वृक्ष प्रोग्राम को ले रहा हूँ। मुंबई इस हरे कृष्ण में हर सप्ताह 5 भक्ति वृक्ष प्रोग्राम में कंडक्ट करता हूँ। ये भक्ति वृक्ष प्रोग्राम भक्तों को काफ़ी मदद करता है अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए, और विशेषकर इस भक्ति वृक्ष प्रोग्राम की स्थापना गल्फ कंट्री में जयपताकम महाराज के प्रेरणा से वहाँ के भक्तों ने सुचारू रूप से की, और उन्हीं से प्रेरणा पाकर हरे कृष्ण प्रेमी वर्धनी माता जी और माधव वेणुगोपाल प्रभु इनके मार्गदर्शन में इस जुहू हरे राशि से राधा राज बिहारी मंदिर में इस भक्ति वृक्ष प्रोग्राम काफ़ी लंबे अरसे से समय से चल रहा है और काफ़ी विकास भक्ति वृक्ष का हो रहा है। कई सारे भक्ति वृक्ष प्रोग्राम इसका जुहू में किए जाते हैं, उसमें से मेरे करीबन 4-5 भक्ति वृक्ष प्रोग्राम मैं लेता हूँ। तो इस भक्ति वृक्ष प्रोग्राम के अंतर्गत कृष्ण भावना की प्राथमिक तत्वज्ञान और प्राथमिक स्तर पर भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है, इस पर प्रभुपाद के ग्रंथों पर आधारित एक भक्ति वृक्ष का ढांचा बनाया गया है। और इस भक्ति वृक्ष प्रोग्राम में शुरुआत कीर्तन, फिर नव आगंतुक भक्तों के लिए जप की विधि किस तरह की जाती है जब बताया जाता है, और जब करवाया भी जाता है सब सम्मिलित होकर साथ में, फिर किसी एक विषय पर प्रभुपाद के ग्रंथों से टॉपिक होता है, उसके ऊपर चर्चा की जाती है 45 मिनट। उसके पश्चात प्रचार का महत्व बताया जाता है, प्रचार सभी को करना चाहिए। तो इस प्रचार के अंतर्गत सभी के लिए प्रसाद वितरित किया जाता है। कृष्ण भावना का संगोपन इस तरह से भक्ति वृक्ष माध्यम के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं हर शनिचर और रविवार के दिन भक्ति वृक्ष कंडक्ट करता हूँ, जिसमें योग के लिए भी। इस प्रकार मेरे अंतर्गत करीबन 150 से 200 भक्त भक्ति वृक्ष अंतर्गत है, और इन्हें मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए। ये भक्ति वृक्ष प्रोग्राम काफ़ी मददपूर्ण है। शुरुआती दौर में किस तरह नए लोगों के लिए कृष्ण भावना को प्रस्तुत किया जाए, कई सारे ग्रंथ, कई सारे लेक्चर सभी होने के पश्चात किस तरह किस पॉइंट से शुरू किया जाए और किस तरह इनके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इनकी प्रगति हो जाए होती रहे, ये प्रश्न था। परंतु जयपताकम महाराज की प्रेरणा से ये भक्ति वृक्ष आरंभ, और ये भक्ति वृक्ष काफ़ी प्राथमिक स्तर पर अर्थात दीक्षा तक जाने के लिए प्रोग्राम काफ़ी हेल्पफुल मददगार है। और ऐसे प्रोग्राम हर जगह भक्ति वृक्ष छोटे पैमाने पर शुरू होता है, 7 से लेकर 25-20 भक्तों तक ये ग्रुप बनता है, जिसमें हम अच्छे से भक्तों का देखभाल करते हैं, उनकी कृष्ण भावना को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें मदद करते हैं। तो ये भक्ति वृक्ष वास्तव में एक वृक्ष आगे चलकर बनता है, ये एक पिरामिड की तरह है। एक भक्ति वृक्ष में भक्त काफ़ी अच्छे पक्के बन जाते हैं, और 1-1.5 साल के बाद भी वो भी भक्ति वृक्ष चला सकते हैं। इस प्रकार ये पिरामिड की तरह एक भक्ति वृक्ष में 7 भक्त है, तो 7 भक्त जाके आगे 7 भक्ति वृक्ष चलाएंगे, उनमें से उन भक्ति वृक्ष से आगे फिर 14 चलाएंगे, ऐसा पिरामिड के जैसा ये भक्ति वृक्ष कार्यक्रम बढ़ता रहता है। और इस भक्ति वृक्ष प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, और जिसे भक्त काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। तो मेरा स्वयं व्यक्तिगत अनुभव रहा है लगभग 10 सालों से, मैं भी पूर्व प्रचार करते समय मुझे भी चिंता होती थी कि मैं किस तरह प्रचार करूं, किस तरह कृष्ण भावना को प्रस्तुत करूं। परंतु जिस जब से 6-7 साल से भक्ति वृक्ष प्रोग्राम मॉडल इन्होंने जो बनाया है, प्रेमवर्धिनी माता जी और वेणु माधव प्रभु, ये दुबई से हैं, वास्तव में इंडिया भारत से ही, हैदराबाद से, परंतु इन्होंने गल्फ कंट्री में काफ़ी अच्छे से इसको सुचारू रूप से किया, और ये प्रोग्राम लगभग पूरे विश्व में चलाया जाना चाहिए नए भक्तों के लिए, ताकि आगे जाके वो भक्ति वृक्ष प्रोग्राम से आगे भक्त अच्छे भक्त बने और कृष्ण भावना भावित अपने जीवन में विकास करें। हरे कृष्ण।